हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड के जो चुल्ब और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, वो सारे मास्टर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और इनका क्या प्रोसीजर है। बाय द वे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है HEC की, इन पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे और एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं वो भी बताऊंगा, और इनका फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है थाईलैंड का, जिसे हम चुल्ब और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, ठीक है। तो ये जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा आपको। अब ये जो है वो बेसिकली जितने भी पाकिस्तानी और HEK के नेशनलिटीज़ हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स जिनके पास 18 ईयर्स की एजुकेशन है, ठीक है। ये वो सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, उसके बाद इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है, केमिकल साइंसेज है। दूसरी बात ये है कि HEC जो है ना, इसमें इस स्कॉलरशिप में ओनली जो है ना वो नॉमिनेटिंग एजेंसी है, बाकी जो आपका फाइनल अवार्ड है या जो फाइनल डिसीजन है वो चुल्ब और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की जानिब से होगा, जिनमें आपके एकेडमिक मेरिट, आपका पोटेंशियल और यानी कि आपकी पूरी एप्लीकेशन को देखकर जो है वो डिसाइड करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो क्राइटेरिया में ये है कि द स्कॉलरशिप आर ओपन टू द पाकिस्तानी एंड HEK नेशनलिटी हु मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये सारा क्राइटेरिया अगर ये आप फॉलोअप करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 13 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, August 1, 2022 तक। होल्ड 16 ईयर्स बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम क्यूमुलेटिव GPA ऑफ एटलीस्ट 2.75 out of 4। आपके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है, यानी कि बैचलर्स डिग्री आपके पास हो जिसमें GPA जो रिक्वायर्ड है वो 2.75 हो आउट ऑफ 4 में, ठीक है। ये जो है वो फॉलोइंग फील्ड्स हैं, अगेन मैं आपको बता दूँ, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, मेडिकल, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, अगर ये वो सारी फील्ड्स हैं, अगर आप इनमें से आपने बैचलर्स की है और आपकी जो है वो GPA 2.75 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैव एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक लेबॉरटरी रिसर्च, तो आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबॉरटरी रिसर्च में। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट हैव डेमोस्ट्रेट इंग्लिश प्रोफेंसी फ्राम प्रीवियस यूनिवर्सिटी आर प्रेफरेबली सर्टिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द टू रिकोगनाइज टेस्ट ऑफ द लैंग्वेज प्रोफेशनसी। अब यहाँ पर जो है ना वो IELTS TOEFL की ज़रूरत है, यानी कि इसमें आपने जो है वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना होगा। एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सप्लेनिंग दियर इंटरेस्ट इन द स्टडी, तो आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है, केमिकल साइंसेज है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगेन ये जो वो सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कवरेज है स्कॉलरशिप की वो ये है कि द स्कॉलरशिप विल कवर ट्यूशन एंड अदर एकेडमिक फीस, क्रेडिट फी, लेबॉरटरी एक्सपेंसेस, कोर्स फी, इनरोलमेंट फी, थीसियस फी, प्रोडक्शन ऑफ द थीसियस डॉक्यूमेंट्स, राउंड ट्रिप एयरफेयर, वीज़ा फी, फर्स्ट सेटलमेंट अलाउंस एंड रीलोकेशन अलाउंस, अकोमोडेशन, मंथली स्टाइमेंट, बुक अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस। द स्कॉलरशिप अवार्ड विल कवर 6 weeks रिफ्रेशर कोर्सेज फॉलो बाय द पीरियड ऑफ 2 years मास्टर डिग्री सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू ऑफ द स्कॉलर सेटिस्फेक्टरी प्रोग्रेस। तो ऐसा समझे कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन प्रोसीजर का। अब इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, CGI स्कॉलरशिप अप्लीकेशन फॉर्म एंड मेडिकल हिस्ट्री एंड रिपोर्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्राम हेयर। अब ये जो है वो इनका फॉर्म है, यानी कि चुल्ब और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का फॉर्म है, वो आपने फिल करना है, और दूसरा जो है वो इनका ये इनका जो है वो फॉर्म है, ठीक है। ये जो है वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट, यानी कि ये वाला आपने डाउनलोड करना है, और किसी भी फिजिशियन जो है ना उनसे आपने फिल करवाना है,
और आपकी रिपोर्ट बनवानी है, उसका नीचे आपने यहाँ पर उनका स्टैंप और साइन वगैरह ये सारी चीज़ें लगवाएंगे उनसे। लेकिन याद रहे कि ये वाला फॉर्मेट आपने डाउनलोड करना है, ठीक है, और यही यूज़ करना है आपकी मेडिकल रिपोर्ट के लिए। अब ये मैं आपको फॉर्म भी बताता हूँ कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद जो है वो आपने जब ये वाला फॉर्म फिल आप जब ये वाला फॉर्म फिल करेंगे ऊपर वाला, उसके बाद जो है वो आपने HCC के पोर्टल पर भी अप्लाई करना है। बाय द वे, ये जो हमारी वीडियो है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि ये अगर एक पार्ट में मैं बताऊंगा तो वो HCC का जो पोर्टल है उस पर अप्लाई करते करते जो है वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो ये PDF वाला फॉर्म है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा, और सेकंड जो वीडियो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, उसमें आप जाके जो है वो HCC पे कैसे अप्लाई करना है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन एट HCC वेबसाइट आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग योर प्रोफाइल प्लीज़ सिलेक्ट द लर्निंग अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। तो ये मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आपने वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब लास्ट में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको इसका जो फॉर्म है, ठीक है, वो कैसे फिल करना है वो बताता हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में वो आप एक्सप्लेन करेंगे, आपका रिसर्च प्रपोजल हो गया, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एकेडमिक डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, उसके बाद 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, चाहे वो एकेडमिक हो या प्रोफेशनल हो आपकी मर्जी है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वाला मेडिकल सर्टिफिकेट आपने प्रिंट आउट करवाना है और किसी भी फिजिशियन से जो है वो फिल करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनसी प्रिफरेबली टॉफिल या आइल्स, तो आपके पास टॉफिल या आइल्स का जो है वो सर्टिफिकेट होना लाजमी है। NOC फ्राम एम्प्लॉयर इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की है तो NOC जो है वो आपने इशू करवानी है। 1 कॉपी ऑफ HCC एप्लीकेशन फॉर्म इन सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग, तो आप जो है वो जब HCC पे अप्लाई करेंगे तो वो भी कॉपी आप साथ अटैच करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो है वो कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। However, at the time of online application to HCC, you need not to send the hard copies of the above mentioned documents. जब आप HCC पे अप्लाई करेंगे तो आपने HCC को ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। The above mentioned documents will required by HCC from shortlisted candidates. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे ना तभी आपसे जो है वो लेंगे। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन डेडलाइन एंड नोटिफिकेशन द अवार्ड। अब यहाँ पर जो है वो कुछ डेडलाइंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें ये है कि जो है वो डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अगस्त 1 तक जो है वो आप ऑनलाइन भी और ऑफलाइन जो इनका डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड ऑफ द आउटकम बाय द CGI अराउंड जनवरी। तो जनवरी में जो है वो आपको सक्सेसफुल जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा। अब कुछ नोट है, नोट में क्या है, नो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मेंशन अबो विल बी रिटर्न। अब जब आप ये सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट्स तो इनमें से कोई भी आपको रिटर्न नहीं होगा, चाहे आप सक्सेसफुल हों या आपको ना स्कॉलरशिप ना भी मिले तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। HCC विल शॉर्टलिस्ट एलिजिबल एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइंड बाय CGI हाईएस्ट एकेडमिक मेरिट टेस्ट इंटरव्यू। तो आपका जो है वो सिलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है जो कि डिफाइन किया होगा CGI इंस्टीट्यूट की जानिब से, जिसमें आपकी एकेडमिक मेरिट होगा, ठीक है, आपका टेस्ट इंटरव्यू, ये सारा कुछ जो है वो कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओनली ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड सेव्ड एंड इनकम्प्लीट। तो याद रखना है आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव नहीं करना है, आपने जो है वो सबमिट एनी हाउ करना है। काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एप्लीकेशन को फिल करके जो है ना वो सेव कर लेते हैं, सबमिट नहीं करते, उन किसी वजह से उनकी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाला फॉर्म जो है वो इनका ये वाला फॉर्म ये आपने कैसे फिल करना है, ठीक है, और कहाँ पर ये भेजना है। उसके बाद जो है वो सेकंड वीडियो जो हमारी होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने HCC के पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। ये वाला फॉर्म आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपने क्या करनी है, अपने एक पिक्चर को पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो आपने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको सही जो है वो
दिखने में आए। अच्छा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है जिसमें ये है कि द ईच क्वेश्चन एंड मस्ट बी आंसर्ड क्लियरली एंड कम्प्लीटली। तो आपने हर क्वेश्चन को क्लियर और कम्प्लीट देना है, ठीक है। ड्यूअली कम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फॉरवर्ड टू द चिलबर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले पहले आपने ये वाला जो फॉर्म है ये सेंड करना है, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप कोई ब्लैंक्स छोड़ते हैं तो आपको जो है वो ये आपकी एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी, अब आप कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये आपकी पर्सनल डेटा है, सिंपल सा फॉर्म है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, आप फिल कर लेंगे आराम से। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अपना टाइटल चूज़ करेंगे, आपका फैमिली नेम क्या है जो कि आपके पासपोर्ट पे होगा वो आपने देना है, आपका फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्स यानी कि मेल या फीमेल वो आपने बताना है। कंट्री ऑफ बर्थ, कौन से कंट्री में आपकी बर्थ हुई वो आपने बतानी है। हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी लिखेंगे। नेशनलिटी आपने अपनी बतानी है। डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। आपकी एज कितनी है वो आपने बताना है। अपना स्टेटस यानी कि आप सिंगल मैरिड हैं वो आपने बताना है, ठीक है। अपना रिलीजन आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड मेलिंग एड्रेस, तो आपने यहाँ पर अगर आप किसी ऑफिस में काम करें तो ऑफिस की एड्रेस भी दे सकते हैं, अपने होम एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर दें, यहाँ पर फैक्स नंबर अगर है तो दें, वरना नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगेन जो है वो होम टेलीफोन नंबर दें और फैक्स नंबर दे दें, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिस की ईमेल और यहाँ पर आपकी पर्सनल ईमेल देनी है, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू बी नोटिफाइड इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो यहाँ पर आपने किसी भी अपने फ्रेंड या कज़न वगैरह का जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह देना है, जिनमें अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो उनसे आपको जो है वो कॉन्टेक्ट किया जाएगा, उनसे उनका जो है वो टेलीफोन नंबर, उसका आपसे क्या रिलेशन है वो आपने यहाँ पर बताना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटी ऑफ डिपार्चर आपने बताना है यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन रिकॉर्ड, अब यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है कि हाईएस्ट से लोएस्ट एजुकेशन देनी है। पहले आपने बैचलर्स की, उसके बाद आपने अपने इंटरमीडिएट की, उसके बाद आपने अपने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बैचलर्स लिखेंगे, यहाँ पर आपका सिटी आएगा और कहाँ से कहाँ तक आपने अटेंड किया, आपकी डिग्री क्या थी, ठीक है। मेजर फील्ड ऑफ स्टडी आपकी क्या थी, आपका जो है वो जीपीए क्या था वो आपने बताना है। इस तरीके से आपने इंटरमीडिएट का भी देना है, उसके बाद मैट्रिक का भी देना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है वो हैव यू एवर बीन ट्रेंड इन थाईलैंड, अगर पहले से आपने थाईलैंड में कोई ट्रेनिंग लिया या आपको ट्रेन किया होगा तो आपने यस करना है, ठीक है। अगर किया है तो इफ़ यस व्हाट कोर्स वर एर फॉर हाउ लॉन्ग, तो कौन से कोर्स में आपने जो है वो ट्रेनिंग ली और कितना टाइम पीरियड था। अगर नहीं किया है तो ये लीव कर दें, कोई ये कंपलसरी नहीं है। लिस्ट ऑफ योर पब्लिकेशन रिसर्च, डू नॉट अटैच डिटेल्स, अब यहाँ पर आपने डिटेल तो नहीं देनी, लेकिन अगर कोई आपकी रिसर्च या पब्लिकेशंस हैं तो वो आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देना है कि अगर आप प्रेजेंट या प्रीवियस आपने जो है वो एम्प्लॉयमेंट की है तो उसकी आप डिटेल देंगे, एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस में भी सेम तरीके से आपने देना है, कहाँ से कहाँ तक की है, ठीक है। और ये भी प्रीवियस पोस्ट आपने कहाँ से कहाँ तक की, व्यू आपने बताना है, और आपकी पोजिशन क्या थी करंट में और प्रीवियस में, ठीक है। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन बताना है कि गवर्नमेंट थी या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट या एनजीओस, तो दोनों साइड से आपने बताना है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप देंगे, वरना छोड़ दें इसको। ऑफिस की एड्रेस दे दें और यहाँ पर भी ऑफिस की एड्रेस दे दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या बताना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वर्क इंक्लूडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ कंटिन्यू ऑन द सप्लीमेंट्री पेज इफ़ नेसेसरी। अब यहाँ पर आपने अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, जब यहाँ पर आपने काम किया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई अगर आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री पेज की ज़रूरत पड़े तो वो आप अटैच करके लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जब आप रिटर्न करेंगे आपकी स्टडी करके तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। और आप अपने कंट्री को देखकर, उनकी कंडीशन को और आपकी जो आपने ट्रेनिंग ली है उसके कैसे कैसे आप स्टेप्स यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने जो है वो पेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेजेस का बताया हुआ है, तो आपने जो है वो अपनी मदर टंग बतानी है, उनकी
एक्सीलेंट यहाँ पर मतलब रेट करनी है कि कैसी है एक्सीलेंट गुड फेयर, तो वो आपने वन बाय वन पहले मदर टंग की देनी है और उसके बाद इंग्लिश की देनी है और कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी आपने रेट करनी है यहाँ से। ये जो है वो आपने क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मस्ट अटैच। अब यहाँ पर जो है वो टफल या आइल्स का स्कोर आपने देना है या कोई और टेस्ट दिया है तो वो आपने स्पेसिफाई करना है और उसका जो है वो डॉक्यूमेंट है वो आपने जो है वो अटैच करना है। अब ये जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने यहाँ पर अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आएगा और कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करके अटैच करेंगे। उसके बाद नीचे आपने जो है वो अंडरटेक करना है, अपनी सिग्नेचर करनी है, वो डेट बतानी है जिस पे आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटेड फॉर्म आपने ये जो एड्रेस है द चिल्बर्ग ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये सारी इनकी जो है वो थाईलैंड की जो बैंकॉक की एड्रेस है इस पे आपने भेज देना है। उसके अलावा ये जो ईमेल है इस पर भी आपने भेज देनी है, ठीक है। अब ये जो है वो इनका पीडीएफ का फॉर्म था जो कि मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई भी सी डिफ़िकल्टी नहीं है कि आपको समझ ना आए। अब जो सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने HEC के पोर्टल पर कैसे अप्लाई करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।